और बात राजधानी दिल्ली की दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर कई इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है परिवहन विभाग ने नई एडवाइजरी भी जारी की है एडवाइजरी में अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है एडवाइजरी में कहा गया है कि जब तक दिल्ली में ग्रैप फोर्ट लागू है तब तक सी इलेक्ट्रिक या बी एस डीजल बसेस को छोड़कर अन्य राज्यों से दिल्ली में सभी बसेस का प्रवेश प्रतिबंधित होगा होना भी चाहिए क्योंकि पोल्यूशन तभी कंट्रोल हो पाएगा बिकॉज ये नेचर कॉल है एंड समथिंग इसमें कुछ गड़बड़ है अगर गवर्नमेंट कुछ लेती है तो इट्स गुड ऑन पार्ट अभी ये जो लगाई हैं आउटसाइडर की इट्स इज़ अ वेलकम पॉइंट ये इंटरस्टेड बसेज में जो इन्होंने बोला है कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है उसे ज़्यादा बढ़ जाएगा देट इज़ अ गुड स्टेप आई मे कॉल इट लेकिन थोड़ा सा और प्रिकॉशंस इनको और लेनी चाहिए एन्वायरमेंट को हम कैसे बेटर कर सकें देर शुड बी अकॉर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे यहाँ पर लगातार हमने देखा है कि गवर्नमेंट सेज दैट डू यू थिंक दैट दिस इफेक्ट दैट आल्सो केम जब पहले ग्राफ स्टेज वो लागू था क्या आपको उसे इम्पैक्ट दिखा है इतने मेजर्स लेना के बाद नहीं उससे कोई इंपैक्ट नहीं दिखा जैसे था वैसे ही रहा लेकिन अभी इन्होंने उसे खोल दिया तो भी कोई बड़ा भी इंफेक्ट नहीं है थ्री नाइन्टी फाइव आप बता रहे थ्री नाइन्टी फाइव भी है लेकिन अभी इनको थोड़ी सर्विसेज बढ़ा देनी चाहिए जैसे सुबह सुबह वो पानी का करते हैं वो बहुत कम है अगर वो उसको बढ़ा दें तो ये भी डाउन हो सकता है इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है ये बहुत कम हो रहा है अभी भी मतलब इंप्लीमेंटेशन बेटर हो सकता है सर अगर अभी हम बात करें जितने भी मेजर्स उठाए गए हैं अगर हम अभी से हम बात करें तो व्हीकल्स पर भी अब रिस्ट्रिक्शंस आने लगे हैं आपको क्या लगता है और क्या-क्या सजेशन आप देना चाहेंगे आपने मैं तो ये कहने जाऊंगा जिस हिसाब से इन्होंने वो एयर uh, प्योरिफिकेशन के लिए गाड़ियाँ लगा रखी हैं उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए दिल्ली के अंदर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अभी रिसेंटली कि इनका बजट जो है एडवर्टीजमेंट uh, में ज़्यादा बजट है और उस पर कम बजट है